वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आप लोगों के साथ मेरा बर्थडे ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ, जो मैंने बहुत ही रैंडमली शूट किया था। मेरा कुछ प्लान नहीं था, ना सेलिब्रेट करने का कुछ प्लान था, ना शूट करने का। तो लेकिन मुझे इतना मालूम था कि एक केक कट तो होगा ही, इसलिए हम लोग दोपहर को थोड़ा सा रेडी हो गए थे और फिर हम लोगों ने बाहर से खाना वाना ऑर्डर किया और खाया, एंड देन उसके बाद मैंने केक कट किया। मासी के घर पे उस दिन मतलब पूजा था, लक्ष्मी पूजा दो दिन था। तो पहले दिन हम लोगों ने कर लिया था, दूसरे दिन मतलब मेरे बर्थडे के दिन मासी लोग कर रहे थे। फिर हम लोगों को इनवाइट तो पहले ही किया था, लेकिन मेरा जाने का मन नहीं था तो मैंने मना कर दिया था। फिर शाम को मासी मुझे कॉल करती है और फिर से बोलती है कि आ जाओ, वैसे भी घर पे तो बैठ ही रहोगी। मैंने भी सोचा घर में बैठने से अच्छा वहां पर चली जाओ, यूपी से मिल भी पाऊंगी, तो इसलिए मैं चली गई। दीदी भी हमारे साथ, हम लोग सब मतलब चले गए। और वहां पे जाने के बाद मुझे मिला सरप्राइज, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सा था कि घर पे पूजा चल रहा था। मुझे ऐसा लगा भी नहीं कि कुछ होगा वैसे। तो उन लोगों ने पूरा बलून से डेकोरेट किया था और केक लाया था, एंड एकदम फ्लावर्स वावर फेंक रहे थे जब मैं अंदर घुसी रूम के, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। फिर हम लोगों ने डांस वंस किया पूरा, और उसके बाद मतलब प्रसाद वगैरह खा के घर वापस आ गई थी। Thank you.
मानी थैंक यू हे गाइस तो मैं आई थी मासी के घर पे क्योंकि आज लक्ष्मी पूजा है तो फिर आने के बाद मुझे सरप्राइज मिल गया इन लोगों ने बलून्स वगैरह एकदम डेकोरेट किया था और फिर केक्स लाया था तो बहुत मजा आया अनएक्सपेक्टेड था बहुत तो मैं बहुत खुश हो गई तो अभी थोड़ा सा वैसे मैं ब्लॉग नहीं करूंगी सोचा था पर अभी थोड़ा सा करूंगी तो आप लोग एंजॉय कीजिएगा ब्लॉग को तो लेकिन थैंकफुली दीदी ने शूट कर लिया था जब मैं मासी के घर पे जा रही थी सो या आई होप आप सबको पसंद आया होगा सो थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय बाय